करने भाई, एक तो आपकी सुबह बहुत जल्दी हो गई, पर से इतना परफ्यूम लगा के तैयार होकर नए स्टाइल से बाल बनाकर किधर जा रहे हैं आप? क्या हो गया तुमने भाई? सुबह क्या हम रोज इतने बजे उठते हैं और ऐसा ही तैयार होते हैं, परफ्यूम लगाते हैं? हाँ पुफी जान, दादा तो आजकल दो बार पार्क जा रहे हैं ना, सुबह भी और शाम को भी। शाम को तबस्सुम आंटी आती है ना, इसलिए। अगर आपको देर नहीं हो रही अब्बा तो बैठे, मैं आपको गर्मा गर्म चाय का कप बना के देती हूँ। नहीं नहीं, हमारा ब्रेकफास्ट का प्लान है ना, तो क्यों दादा, चले दादा? हाँ, चल। वैसे तुम लोग कब तक वापस आ जाओगे? क्यों, मेरा मतलब कोई खास बात है क्या? वो आज सलीम और सादिया हमें लेने आ रहे हैं ना, तो हम चाह रहे थे अगर सब घर में होते तो अच्छा था। नहीं नहीं पप्पू जान, तब तक तो हम घर आ जाएंगे, चले दादा। सलामकुम। वालेकुम अस्सलाम। कबीर साहब, इतनी देर लगा दी आपने, मैं कब से इंतजार कर रही थी, अब तो मैं आपके घर आने वाली थी। हाँ दरअसल बस देर हो गई, माजरत चाहता हूँ। अच्छा सब खैरियत है ना? आपने इतनी इमरजेंसी में रात को फ़ोन किया, मैं तो समझी शायद मैंने कुछ ऐसा कह दिया है जो आपको बुरा लग गया है, या तो फिर वो नफीसा बेगम को मैंने जो मेडिसिन दी थी उसका कोई गलत रिएक्शन तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, असल में हम कहना ये चाह रहे थे कि बात वो देखिए, आपको अगर हमारी कोई कहीं भी बात बुरी लगे तो प्लीज़ आप बरबला हमारे मुंह पे कह दीजिएगा, हमारा मकसद बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप बात तो कहें। तो समझी, दरअसल इस उम्र में हर मसले की जड़ जो है ना तन्हाई होती है, और आपसे मिलने के बाद हमें यह एहसास हुआ कि हमें भी एक दोस्त की तलाश है, और उसके ख्याल हमारे ख्याल से मिलते हैं, और से मुलाकात के बाद हमारी ज़िंदगी कुछ माने मिल जाए। हाँ ठीक है, लेकिन ये सब बातें आप मुझसे क्यों कर रहे हैं? भाई हमारी बात करने का मकसद है कि हम शादी करना चाहते हैं और अपनी बची कुछ जिंदगी किसी के साथ गुजारना चाहते हैं, बस। तबस्सुम जी, हम आपसे शादी करना चाहते हैं जी। एक्चुअली मुझे आपको बताना था कि को सैन ने मुझे प्रपोज किया है शादी के लिए। व्हाट, क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या कहा था बस आंटी ने? यार कुछ नहीं कहा उन्होंने। हैं, क्या मतलब? अरे हमने उनसे शादी की बात की तो उन्हें अपने घर का काम को याद आ गया, उठ के चले गए वहां से। ओहो, तो दादा इसमें परेशानी वाली क्या बात है? घर तो अजीब आदमी हो यार, अगर उन्हें हमारी बात बुरी लग गई हो तो। दादा अगर उनको बात बुरी लगती ना आपकी तो वो आपको खरी खरी सुना देती। सैन मुझे लगता है तुम्हें अब घर आना होगा, अपने पेरेंट्स को घर लेकर आना होगा, और थोड़ा जल्दी। तुम्हें जल्दी? मैं जल्दी क्या थी सैलाब अपने दादू को बताने की? मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं पहले दादा से बात करूंगा, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, फिर देखूंगा। तो मैं और कितना झूठ बोलती दादू से? बोलने की जरूरत ही क्या थी ना, सच बोलती ना, झूठ बोलती यार। तो बोल दिया ना, क्या करूं? अभिजान, आपको तबस्सुम आंटी और अब्बा जान की शादी के बारे में पता है? शाहिद, ये बात है इस वक्त करने वाली, तबस्सुम आंटी कहां से आ गई बीच में? देखो भी, हमने तो सिर्फ अभी बात की है, अगर तुम्हें हमारा ये करना पसंद नहीं है तो हम कहीं चले जाएंगे ताकि तुम लोग सुकून से अपनी जिंदगी गुजार सको। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।